नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों, लोग देखने वाले हैं आज की 3 इंची का जॉइंट कैसे फिटअप होता है और वो भी ओनली 5 मिनट के अंदर में। तो दोस्तों, ये सब पहले ही सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ फिनिशिंग जितना होता है सब कुछ पहले सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ हो गया था, बस सिर्फ ओनली जॉइंट करना बाकी था। तो दोस्तों, चलिए जॉइंट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने मिलता है आप लोग को वीडियो में। और चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अभी सब कुछ दोस्तों ओके हो गया, अभी सब कुछ दोस्तों रेडी है। अभी देखिए दोस्तों, अभी टैकिंग भी टैकिंग ऊपर लग चुका है। उसके बाद दोस्तों, ये नीचे में ये उसको गैप थोड़ा बढ़ा रहे हैं, बिकॉज दोस्तों गैप कम हो गया अभी। तो गैप ये दोस्तों, ये 4 मिली का गैप लॉड है। तो 4 मिली गैप लॉड से अगर गैप लॉड करते हैं देते हैं अगर, तो 3 मिली गैप जो है वो बराबर से आपको मिल जाएगा। 3.5 मिली बराबर से आपको मिल जाएगा, चाहे 2 इंची हो, चाहे 3 इंची, 4 इंची, 10 इंची, कोई भी होने दीजिए। कम से कम आप 3 mm अगर 3.5 mm फ्री गैप रखते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। बस बहुत अच्छा जॉइंट होता है वो वाला, भले आपका एज भी जितना भी है सब कुछ अच्छा सा होना चाहिए सब कुछ, लेकिन पर आपका जो 3.5 mm गैप अगर है, 3.15 mm जो गैप होता है उतना अगर है, तो बस आपका जो जॉइंट है वो अच्छा जॉइंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जॉइंट में। कोई भी चीज़ नहीं बोलेगा कि आपका जो आपका जॉइंट है उसका गैप कम हो गया है, गैप कम है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 4 मिली गैप से, 4 मिली जो रड होता है उस रड से आप गैप दे आराम से, अच्छा रहेगा, कोई टेंशन उसमें नहीं रहेगा, किसी बिल्डर को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों इसका जो 90 समझ लीजिए इसको बोलते हैं, 90 चेक हो रहा है दोस्तों इसका, क्योंकि इसका जो स्टेट लेवल जो लेवल होता है लेवल दोस्तों चेक हो रहा है ऐसे, तो क्योंकि यहाँ से वहाँ तक एक जैसा देखना नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए दो राइट एंगल पकड़ेंगे और उसमें अगर चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें कि जो मेरा जॉइंट जो है वो टेढ़ा तो नहीं है, मतलब इधर उधर तो कहीं नहीं भागा हुआ है। तो दोस्तों, एक जॉइंट टेकिंग लग चुका है और एक टेकिंग दोस्तों लग चुका है उसमें, तो और उसके बाद नीचे जो है जॉइंट को टेकिंग लॉक कर रहे हैं ताकि जॉइंट जो है वो अब नीचे ऊपर भी ना जाए। और उसके बाद फिर दोस्तों उसको साइड भी चेक किया जाएगा कि साइड जो मेरा है वो साइड सही है, तो फिर साइड भी टेकिंग ले लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी इसमें नीचे टेकिंग लिया जा रहा है, नीचे में बिल्डर जो है अपना बिल्डिंग नीचे टेकिंग कर रहे हैं और फिटर साहब जो है फिटर साहब क्लिप पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों पूछ रहे हैं वो कि नीचे टेकिंग नहीं मारना है ना, मतलब नीचे जो है लॉक कर दे दोनों साइड, तो बोले लॉक दोनों साइड कर दिया गया है, इसके लिए आप निकाल लोगे अपना, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो देखिए दोस्तों, फिर से अभी इसको चेकिंग किया जा रहा है इसका अपना ये राइट एंगल से फिर चेक कर लिया गया दोस्तों, फिर से दोस्तों इसको चालू हो गया अभी टेकिंग। दोस्तों बहुत जल्दी जॉइंट हो गया ये, बीच में दोस्तों थोड़ा सा रोका मैं, पर जितना देर में रोक किया उतना देर में दोस्तों थोड़ा सा मुझे दूसरा काम आ गया था, इसके लिए वो दिक्कत हो गया, पर ये काम जो है काम नहीं रुका दोस्तों, कंटिन्यू काम होते रह गया कंटिन्यू। ओनली 5 मिनट में एक जॉइंट कर देना मतलब बोल तो इम्पॉसिबल है, पर फिर भी ये लोग पॉसिबल कर दिए ये लोग। तो दोस्तों हर चीज़ ओके था, हर चीज़ रेडी था, सब कुछ बस फिटअप जो पाइप जितना था सब कुछ रेडी सब कुछ था, बस ले आ करके इसमें जॉइंट करना था बस। दोस्तों बस पाइप लेके आए, हल्का सा पॉलिश किया और दोस्तों सेम टू सेम दोस्तों जॉइंट को सटा करके टेकिंग ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, 3 जॉइंट दोस्तों हो चुका है, दोस्तों सॉरी 3 टेकिंग हो चुका है, दोस्तों चौथा भी टेकिंग दोस्तों हो गया, तो मतलब 4 टेकिंग जो लगना था 4 टेकिंग दोस्तों इसमें लग चुका है, पूरा जॉइंट कंप्लीट जॉइंट हो गया दोस्तों इसमें पूरा जॉइंट, सब जॉइंट दोस्तों ओके इसमें हो गया है। अब दोस्तों इसका जो देखिए दोस्तों, इसका नीचे जो लिखा हुआ है दोस्तों इसमें WPS जो लिखा था वो लिखना इसमें है। उसके बाद दोस्तों इसमें जॉइंट नंबर लिखा था, जॉइंट नंबर नीचे में देखिए लिखा हुआ जॉइंट नंबर वो 04C है, वेल्डर नंबर लिखा जाएगा इसके ऊपर कौन वेल्डर इसको वेल्डिंग करेगा। और दोस्तों इसको हीट नंबर जो होता है वो फिटअप नंबर जो होता है वो होता है फिटअप नंबर। दोस्तों यहाँ डेट लिखा जाता है कुछ यहाँ पे और भी दोस्तों यहाँ पे कौन क्या है जो भी लिखा था दोस्तों, मतलब हर चीज़ में लिखा जाता है, हर चीज़ में जॉइंट में लिखा जाता है कि हर चीज़ क्या क्या कौन क्या कितना नंबर जॉइंट है, कितना स्पूल नंबर कितना है, क्या क्या चीज़ सब कुछ इसमें लिखा जाता है जॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, जॉइंट फुल दोस्तों जॉइंट कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों जॉइंट रेडी है फिटअप मतलब सॉरी वेल्डिंग करने के लिए। और दोस्तों जिसको भी मतलब वेल्डिंग करना है वो आ करके यहाँ पर बोलेंगे हमको चाहिए, या फिर खुद ही सोजर जो फॉरवेंट रहेंगे वो खुद ही उसको उठा करके उस पर पहुँचा देंगे वहाँ पे, और फिर दोस्तों हम सब वेल्डिंग कर सकते हैं इसको।
तो ओके दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा जो वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओके दोस्तों, नमस्कार, फिर अगले वीडियो मिलते हैं आपसे।